अदनान भाई मैं सैलरी पर्सन हूँ और जॉब करता हूँ अकाउंटिंग में, पैसे नहीं बचते, कोई सलूशन तो बताएं प्लीज। बिल पे करता हूँ मंथ के एंड में, पैसे होता ही नहीं कोई भी। अच्छा मुझे बताएं कितनी सैलरी है आपकी, महीने का कितना कमा लेते हो? अदनान भाई तकरीबन 50,000 रुपया पर मंथ कमा लेता हूँ। इसमें से बचाते कितने हैं आप? अदनान भाई पहले तो बचता है कुछ नहीं, अगर बच भी जाए तो 15-20% मैक्सिमम सेविंग हो सकती है। 40% बचाएं और उसको इन्वेस्ट करें और 60% आपने खर्च करना है, इससे ज्यादा नहीं कर सकते आप। नहीं अदनान भाई 40% तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, मुझे पता है अपने खर्चों का, ये तो हो ही नहीं सकता। आप मजाक तो नहीं कर रहे मेरे से? अच्छा मैं आपको बताता हूँ, आप सिनेमा में जाते हो? जी अदनान भाई मैं चले जाता हूँ मंथ में एक आध बार सिनेमा। अगले 5 साल आप सिनेमा में नहीं जाएंगे। रेस्टोरेंट में खाना खाने कितनी दफा जाते? जी अदनान भाई मैं खाना रेस्टोरेंट पे वीक में 1-2 बार चले जाता हूँ और मैं कई दफा घर पे भी मंगवा लेता हूँ, आपको पता है बड़ा नॉर्मल चीज है ये। ग्रोसरी करने क्या डेली दुकान पे जाते हो आप? जी अदनान भाई तकरीबन डेली जाता हूँ, शाम को आते हुए वाइफ कॉल कर देती है, जो भी चीज हो आते हुए शाम को मैं ले आता हूँ, और डेफिनेटली बच्चों के लिए भी कोई एक्स्ट्रा चीजें ले जाता हूँ जाते हुए। अब आपने डेली दुकान पे ग्रोसरी करने नहीं जाना, क्योंकि जब आप डेली जाते हो ना तो दुकान पे जाके 4 चीजें एक्स्ट्रा ले आते हो जिसकी आपको जरूरत भी नहीं होती। मंथ में 1 बार ग्रोसरी करने जाना है, सब्जी वगैरह वो भी वीक में 1 बार ले, और वो भी सिर्फ सब्जी की दुकान पे जाए आप, क्योंकि जब एक दफा आप ग्रोसरी करते हो ना मंथली, एक तो उसको करें यूटिलिटी स्टोर से, वहां से आप डिस्काउंट भी मांगे, डिस्काउंट के ऊपर बल्क में बाय करें, मंडी से बाय करें, एक तो उसके ऊपर बहुत पैसे बचेंगे, दूसरा वो जो 4 चीजें डेली जाके एक्स्ट्रा ले लेते हो वहां से बहुत पैसे आपको बच जाएंगे, और तीसरा आपको यह पता चल जाएगा कि मेरा बजट कितना है मंथली, और चौथा आपकी जो ओवर स्पेंडिंग है वो कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली। अच्छा अदनान भाई ये तो बड़ी पते की बात बताई आपने। अच्छा मुझे ये बताओ कोई ऐसी स्किल है, ऐसी डिग्री है, ऐसी कोई चीज है जो आप लेके आपका इंक्रीमेंट लग जाएगा? जी अदनान भाई हमारी जो अकाउंटिंग प्रोफेशन है ना, इसके अंदर प्रोफेशनल डिग्री होना वो बड़ी जरूरी होती है। मैंने किया हुआ MBA, तो अगर मैं प्रोफेशनल डिग्री ले लूं पार्ट टाइम तो मेरा इंक्रीमेंट बहुत अच्छा लग जाएगा। कितना इंक्रीमेंट आपका लगेगा तो अंदाजा बता। अदनान भाई बड़े ही आराम से बढ़ जाएगी, 100-150% तो कहीं गए ही नहीं अगर मैं वो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ले लूं। मैं कहता हूं पूरी कंप्लीट ना भी करूं, आधी भी करूं तो 100-150% इजाफा हो जाएगा सैलरी। तो फिर आप लेट क्यों कर रहे हैं? फौरन से डिग्री में एडमिशन ले लें, इमीडिएटली शुरू करें इसको। ओवर टाइम कुछ पीरियड लेके आप कर ही लेंगे, मुझे पता है। जॉब के साथ कोई मसला नहीं होता कोई भी डिग्री को लेना, मैंने खुद जॉब के साथ ही पढ़ा है, देखा कहां आपसे 40% ही बच रहा था और आप कहां आप तकरीबन 150-200% बचा रहे हैं, 100-150% इंक्रीमेंट से आप बचा रहे हैं, 20-30% आप दूसरी तरफ से ग्रोसरी से बचा रहे हैं, और कितने पैसे हो गए? यही पैसे अगर आप एसेट में लगाएं तो कहां पे बात जाए? अदनान भाई सॉरी मैं समझ रहा था कोई रास्ता नहीं है, लेकिन बात बड़ी पते की बताई है। ये ग्रोसरी वाली आपकी बात सच है, मैं एक्स्ट्रा स्पेंड कर देता हूँ, और ये प्रोफेशनल डिग्री वाली भी वैसे बात आपकी ठीक है कि साइड पे ली जा सकती है। आपने देखा सेविंग और पैसा कमाने का सलूशन वहीं पे होता है, लेकिन आप हैं जो उसको देखने के लिए तैयार नहीं होते। अगर खुली आंखों से देखेंगे तो आपके पास हर वक्त अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, पैसा बचाने की भी और पैसा बनाने की भी, तो क्यों नहीं बना रहे आप? कमेंट तो जरूर आएगा। थैंक यू सो मच।